अभी हम पहुंच गए कटरा और अभी पापा और फूफू लेने गए हैं टिकट। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर कटरा लिखा हुआ है। तो अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस, जिन लोगों को पार्ट वन देखे पता नहीं चला था कि हम कहाँ पहुँचे हैं, इस पार्ट को देख के तो ज़रूर पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और कि मतलब ये देखिए हमने आपको बता ही दिया है सारा कि कटरा में है ये जगह। तो सिंपल है कि ये हम वैष्णो देवी हैं और मतलब हमारा सफ़र तो स्टार्ट हो गया है और ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। जो जो लोग वैष्णो देवी गए हैं उनको तो पता ही होगा। और अभी हम पहुँचे हैं बालगंगा और ये है मतलब बालगंगा का व्यू। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब शॉप्स वॉप्स और नहाने के लिए। और अभी हम मतलब मैं उतरी बालगंगा में और पानी इतना ठंडा ठंडा सा था, पूरा अच्छा मज़ा आ गया। फिर मैंने अपनी सॉक्स बूट्स खोले और फिर मैंने अपने पाँव जैसे इस पानी में रखे, मतलब मुझे लगी हुई थी और जैसे मैंने पाँव रखे मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे यहाँ का मतलब नाइट व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब हमें निकले हुए बहुत समय हो गया था, जैसे हम 6 बजे निकले थे, मतलब 6 PM से हम निकले हुए थे और अभी रात हो गई थी, मतलब पूरा डार्क हो गया था और मैं बहुत थक गई थी। मगर अभी तो मैं कम ही थकी हूँ, मगर आगे तो मेरी जो हालत होगी आप देखते रहिए एंड तक कि मेरी क्या हालत होने वाली है। मैं इतना थक गई थी ना। सो गाइस, ये देखो अभी रात हो रही है और ये व्यू देखो, सब कुछ बहुत कलरफुल सा लग रहा है और मतलब कितना सुंदर लग रहा है। और ये वाला व्यू आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अभी हम फिर से निकल गए हैं, हम चल रहे हैं। हम रुके हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। हम कब से चल रहे थे। हमने सीढ़ियाँ भी चली, अब हम पैदल ही गए मतलब प्लेन रोड पे। सो ये वो मैं आई गाड़ी। सो ये और अभी देखो हवा भी चल रही है, मतलब अभी बहुत सही मौसम है, मतलब हवा भी चल रही है और मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है दिख पे। इट इज़ लाइक ओके, मतलब हवा चल रही है रात के टाइम, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। हम जब सुबह आए थे तभी भी गर्मी नहीं थी, मतलब अच्छा मौसम था। और अभी हॉर्स आ रहे हैं, एक ही बार में बहुत सारे हॉर्स आ जाते हैं। क्योंकि हम बहुत देर से चल रहे थे और रात भी हो गई थी, इसलिए फिर हम डिनर करने के लिए रुके और फिर हमने खाए रात का चावल। अभी अमायरा और कुकु बैठे हैं ग्रैंड में।
बड़े हैं और शायद बिजली वाला जो था इधर पे लोग मतलब जिनको अपने लिए बैग बुक करवाने हैं वो करवा सकते हैं। वैसे मन तो हमारा भी कर रहा था मगर शायद इधर पे वो करना क्या बोलते हैं मतलब पहले से ही बुक करवा के रख रहे थे जो हमें नहीं पता था इसलिए हम नहीं करा पाए इसीलिए। और या इस वाली साइड पे वो है क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट्स रेस्ट रूम्स साथ में जिसको बॉटल फिल करनी है बॉटल फिल कर सकता है। और अभी हमने डिनर कर लिया इसलिए थोड़ी एनर्जी आ गई है इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। और यही व्यू तो इतना सुंदर है मैं हम बार बार आपको यही व्यू दिखाए जा रहे हैं क्योंकि मतलब ये मुझे व्यू इतना सुंदर लगा कि बार बार इसी को रिकॉर्ड किए जा रही थी। और आप भी एग्री करते हो ना कि ये व्यू बहुत सुंदर है। गाइस हमने कपड़े भी चेंज कर लिए और हम दर्शन भी करके आए और हम नंगे पांव गए थे और मतलब हमने अपना फ़ोन मतलब ऐसा रखा था कमरे में रखा था ना लॉकर रूम में रखा था क्योंकि मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं इसलिए हम बिल्कुल शूट नहीं कर पाए। तो मगर अब हम आ गए और हमें मतलब इतना सुंदर था और प्रसाद भी बहुत टेस्टी था और मतलब इतना अच्छा लगा देख के हमने प्रे किया और मतलब उन्होंने पक्का भी बनाया।